आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले की कानून व्यवस्था को लेकर आज रीवा SP आबिद खान ने जिले भर के थाना प्रभारियों की आवश्यक बैठक ली है। SP द्वारा ली गई बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। बैठक के दौरान पहले तो पेंडिंग मामलों की समीक्षा की गई और लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के मुख्य उद्देश्य को लेकर SP ने बताया कि अब लॉकडाउन के इस चरण में शॉपिंग मॉल होटल खुलने वाले हैं। लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि अपराधों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके लिए हमें पहले से सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लंबे समय के बाद लॉकडाउन में छूट मिल रही है, जिससे आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं, जिसके लिए जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में नजर रखने के साथ सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा थोड़ी होता है, 3-4 दिन के बाद कह रहे आपके कार ठीक से भेज जाऊंगी। मैंने कहा ठीक से भेजने का थोड़ी होता है कि तुम को भेज जाऊं। जो भी ज्यादा पैसा लिया तो हमको दो और रिपोर्टिंग करवा दी, सही करवा दी। देखिए, दो विषय इसमें थे। एक तो क्राइम से संबंधित समीक्षा की गई, जो लॉकडाउन के बाद क्राइम के बढ़ने की संभावना है उसके लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरह से जो क्राइम के ग्राफ को कम करना है, हम लोगों को क्या तैयारियां होनी चाहिए, लोगों के मूवमेंट के खुलने के बाद अपराधियों पर किस तरह से पकड़ रखनी है। दूसरा विषय यह है कि जो अनलॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है, जो 8 तारीख से हम लोग के यहाँ और 3 चीज़ों में छूट मिलनी संभावित है, जो भारत सरकार ने दी है। एक मॉल्स खुल रहे हैं, दूसरा होटल्स और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तीसरा धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। उनको लेकर के क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, किस तरह से लोगों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, लोगों को में अंदर प्रचार प्रसार कैसे करना है, कैसे जो धार्मिक स्थलों में भीड़ होनी है या होटलों रेस्टोरेंट में होनी है वहाँ पे क्या मापदंड अपनाए जाने हैं, उनको मीटिंग कैसे उनकी बुला करके उनको अवगत कराया जाए, ये सारी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर बुलाया गया।